अरे क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला? आज जल्दी, इतने जल्दी उठकर तैयार हो गए यार तुम तो। यार रोज तो मेरे को उठाना पड़ता है। आनंद आ गया? आनंद तैयार हो गया? जो खेलने नहीं चलेगा? नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा। तैयार हो गए बेटे, खेलने नहीं चले? ये क्या, तैयार होगा तो मैं फेसबुक से फेसबुक चला रहा हूँ क्या? क्यों आज नहीं चला तो फिर कब चलाऊंगा? अरे आज खूब बच्चों ने पट्टों ने मेरा खूब मजा लिया उन लोगों ने, सत्ता पक्ष वालों ने। आज नवंबर में मेरा मजा लेने का वेट है। मेरे क्या कह रहे थे वो कि हमारा रिवर्स गियर नहीं लगाते हैं, हमारे गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं होता है, हम वापस नहीं लेते। देख लो बट्टे आज आए, बट्टे ऊट पहाड़ के नीचे देखो 27 कमेंट आ गए इसमें। अरे यार, अरे पर खेलने चले यार, तो उतर तो उतरता है यार। आज पूरा दिन यही रहेगा फेसबुक पे पट्टा। शादी में भी चलना है ना? शादी वादी कुछ नहीं, आज यही रहेगा, आज पूरी जंग यही लड़ी जाएगी फेसबुक पे। ये दो कमेंट और आ गए आज, पर वो सामने वाले दिख नहीं रहा तो यार। हाँ, एक नजर नहीं आ रहा, एक नहीं आ रहा। रोज आके हमको कहते थे ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम यूं हो, आज एक गायब, सब गायब। आज जिंदाबाद के नारे अपने लग रहे हैं बाबू। अरे यार मजा आ गया ना यार। तो मतलब पूरे दिन अब आज यही काम? पूरे दिन यही काम। अरे यार आज पूरी युद्ध, पूरी जंग इस पर लड़ी जाएगी फेसबुक पे। साल डेढ़ साल से मेरे को परेशान कर दिया, खून बाल दिया इन्होंने मेरा, कोरोना टाइम तक में खून बाल दिया। आज मौका मिला है। आज मौका मिला है। क्या कह रहे थे, हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना, हमें कोई पछाड़ नहीं सकता, खुद नहीं खुद का दाम लगा लिया। अब मौका मिल गया तो छोड़ दो, आप खेले ग्राउंड से। ग्राउंड से फोन आ रहा है, ग्राउंड से फोन आ रहा है, काट दो और उसको कह दो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे बहुत पूरा देश का काम, मेरे आज पूरा लोड मेरे माथे देश का फेसबुक पे करना है। आप जाओ। क्या भाई अभी तक सो कैसे रहे हो? चलो ना खेलने, खेलने निकलना क्या? राउंड छुट्टी है ना, उड़ गई आंखों से। अरे यार तो खेलने नहीं चलना क्या? अरे क्या खेले यार, सब दिमाग कल बात हुई ना यार, सुबह आज छुट्टी के दिन खेलेंगे फिर। आज क्या खेले, दिमाग की पूरी ऐसी उड़ रही है एकदम। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सुबह सुबह मार क्लेश हो गया यार? क्यों ले लिया वापिस के कानून? अच्छा वो मोदी जी वाला? और क्या यार, वो तो मेरे को बुरा लग रहा है, पर उसमें क्या यार, चलो ना आपने तो खेल लिया। क्या मैं रोज तो लड़ता लोगों से, मैं और छाती गेंद कहता है तुमने कभी कानून पढ़ा? तुम्हें कानून के बारे में कुछ नहीं पता, बेस करते हो, क्यों करते हो? रोज मेरे रोज लड़ता है यार। अरे यार पर क्या करूँ, किसको कहूँ, क्या करूँ, मैं मार माथा दुख रहा बहुत जोरदार। अरे यार अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, फोन आता तो हो गया। अब अपन ने तो कानून वापस लिया नहीं, मोदी जी ने लिया, अब अपने तो चलो शाम को अपने फिर वो तुम्हारे मासी के छोरे की शादी है ना यार, टिंकू शादी में भी जाना। अरे टिंकू से तो रोज लड़ाई होती थी, सबसे ज्यादा लड़ाई टिंकू से होती थी मासी के छोरे से, अब उसकी शादी में क्या जाऊँ, घोड़े में बैठे बैठा और सीधा पड़ेगा मेरे देख देख के और हंसेगा। अरे यार तो अरे यार अपने क्या, अपने देखने नहीं घोड़े की तरफ, अपने चलना पड़ा शादी में, आप गेम में घर कितनी देर रहेंगे? नहीं आप मैं नहीं आऊँगा। अरे यार तो तुम सोशल मीडिया पर सुबह से कुछ लिखे नहीं तुमने? मैंने खोला ही नहीं सुबह से, बर्बाद से मैंने वो क्या बोलते फेसबुक खोला ही नहीं, नाम ही नहीं लिया मैंने। अरे पर अब लिखना तो पड़ेगा, तुम तो यार अपने शहर में सबसे ज्यादा फेसबुक के तुम रहते हो, तुम्हारे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, तुम ही नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? करे यार हमारा तो दिमाग ही बहुत खराब हो रहा है। अरे तो लिखना तो पड़ेगा। अरे उठना यार, अरे लिखना, अरे तो दिमाग लगाते कुछ फेसबुक पे तो लिखना तो पड़ेगा यार, ऐसे लोग देखें डर गए यार। मेरे सुबह दो तीन जनों ने मैसेज कर दिए और कहा हुआ 56 इंच का, कहा हुआ 56 इंच का, फिर अभी जवाब देना पड़ेगा यार। क्या लिखें यार, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। ये काम करे नहीं तो वो अपने पहले भी 3-4 बार लिखा था पता है तेरे, वो गए वो शेर 2 कदम पीछे लेता है। इसका मतलब ये नहीं है डर गया, ये ठीक है, वापिस हमला करेगा और ताकत से हमला करेगा, अरे वो वाला ठीक रहेगा, ये ठीक है। ये लिख के पोस्ट कर दो तुम तो। हाँ शेर अगर 2 कदम पीछे हटता तो उसकी कमजोरी न समझी जाए, है यूं है वो मजबूती से है, ये देश हित में है, देश हित। बस 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 है ना, हमारा अपना एकमात्र लक्ष्य देश हित। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है ना इसमें। लेकिन यार एक बात तो ठीक नहीं गया यार। यार तुम यार, अरे तुम वापिस, अरे अरे ये तो पोस्ट, अरे यार अरे अरे कोई बात नहीं, वाह वाह वाह, अरे अरे कोई बात नहीं, ये ग्राउंड से फोन आ रहा, अरे 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 तुम रुको, हम तुम टॉस वॉस करना मत, हम आ रहे आ रहे आ रहे, कोई बात नहीं, अरे 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 मैंने छोरा रात दे यार। अरे कोई नहीं रात, अरे अपने इनको कुछ कहोगे नहीं तुम, हाँ है, अरे अरे टॉस टॉस में टॉस करो ना तुम यार, तुम्हारे कृषि कानून से क्या लेने देना। अरे अरे डर तो शेर दो कदम, अरे 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 चलो चलो। अरे भाई साहब बधाई हो, मिठाई लाया हूँ, मिठाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। किस चीज की मिठाई लाया? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अपनी जीत हुई आज, सरकार को काले कानून कृषि कानून वापिस लेने पड़े भाई साहब। अपनी जीत तो अपनी जीत है, आप आपके नेतृत्व में हम कब से संघर्ष कर रहे थे, आप कह रहे थे सरकार को वापिस लेने पड़ेंगे और आज आपने
ये दिखा दिया है कि आप आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जीत नहीं है अपनी। क्यों भाई साहब फंस गए हम? फंस कैसे भाई साहब? अपने तो ये एक मुद्दा था जिस पर हम सरकार को घेर सकते थे, जनता के सामने चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे पर, इस मुद्दे पर हम जीत सकते थे, सीटें ला सकते थे। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा बताइए, बताइए आप। तो वो भी कहेंगे क्या कहोगे आप सरकार को कह सकते हो क्या, क्यों लिया वापिस? हाँ भाई साहब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम इतने महीनों से किसानों के हितैषी बने हुए थे, हम लड़ रहे थे किसानों के लिए, अब मुद्दा ही खत्म हो गया, किस मुद्दे पर लड़ेंगे हम? तो क्या करें भाई साहब, अब आप चुनाव आ रहे हैं, बड़ी प्लानिंग करके बैठे थे, ये यहाँ बोलेंगे, वो वहाँ बोलेंगे, ये वहाँ गिरेंगे, इनको वहाँ गिरेंगे, सारा मुद्दा खत्म हो गया एक झटके में। अब क्या किया जाए भाई साहब? रस्ते हैं और भी, बुलाओ हाई लेवल की मीटिंग बुलाओ। जी भाई साहब। सारे वरिष्ठ सदस्यों को बुलाया जाए, बताया जाए कि ये हमारे कहने से, हमारे प्रेशर में आकर सरकार ने निर्णय लिया। तो कहाँ भाई साहब, वो किसान तो कह रहे हमारे कारण हुआ है। और किसान कह रहे किसानों को चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव किसे लड़ना है? चुनाव तो अपने को लड़ना है भाई साहब, जीतना है चुनाव सब। तो फिर कैसे जीतोगे? किसानों को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव हमें लड़ना है। जनता को ये सिद्ध करो कि हमारे प्रेशर में आकर निर्णय लिया गया है ना, बताओ सच्चे हितैषी हम हैं। ऐसे ऐसे चुनाव लड़ोगे? मीटिंग बुलाऊंगा साहब। हाँ बुलानी पड़ेगी मीटिंग। अच्छा ये बताओ यार, ये मिठाई का डब्बा खुला कैसे लिया है? अरे साहब खुला क्या, मैं तो सबको मीठे खिला, मेरे खुद के खांसी होने लग गई साहब, खिला खिला के आपको मुंह मीठा कर रहा। खिला खिला के मेरे क्या बच्चा कुछ लाया खेरा? अरे भाई साहब मैंने कहा मिठाई खुशी का मौका है। तो मतलब हाई कमान के पास आए हो और खेरा लिया है, मतलब खिला खिला के नादी मेरी बच्ची और चुनाव लड़ोगे? ठीक है भाई साहब। अरे कहाँ ठीक, इसको तो जो जो बचा हो तो लेके जाओ, रख के जाओ, चलो जाओ, मिठाई खिला के, मिठाई हमारे पास आई हुई चीज वापस ले जाओगे। करते हैं कुछ। अरे भाई साहब ये तो आज क्या हो गया, सुबह सुबह मेरे तो होश उड़ गया, धरती खिसक गई मेरे नीचे से। अरे वो कृषि कानून वापस ले लिए मोदी जी ने, आप कैसे चुन क्या करेंगे? लोग तो हाँ हंस रहे हैं अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने ये क्या कर दिया, वादे डर गया डर गया डर गया, और आप यहाँ तबला बजा रहे हो, ये क्या? अरे यार खुशी की बात है। अरे भाई साहब इसमें कैसी खुशी की बात है, मेरे तो मैं तो मुंह छुपा के आया भाई साहब यहाँ तक, आपके घर तक आया तो ही। अरे मुंह उठा के चलो अब। अरे भाई साहब अब, अरे अपन चुनाव लड़ने लायक हो गए अब, ये पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स, समझोगे नहीं आप? अरे भाई साहब अरे वो कह रहे हैं हम डर गए। अरे कौन डर गए? अरे डर गए क्या हम डरना, हम 2 महीने पहले डर जाते, 2 महीने में डर जाते, साल पर हम डरते क्या? हमने किसानों के हित में, जनता के हित में ये निर्णय वापस लिया है और इसके मुद्दे के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब हम पंजाब जाएंगे, अब पंजाब सीटें आएगी, अब हमारे उत्तर प्रदेश से योगी जी हमारे महान सीटें आएगी उत्तर प्रदेश से। खुश होने की बात है, ये डरने की बात नहीं, लड़ने की बात नहीं है। हमने जनता के हित में, किसानों के हित में, इस देश के हित में ये कानून। पहले तो झाड़ी नहीं दे रहे थे पंजाब में, तो घुसने दे रहे थे अपने को। अब टेंशन नहीं है ना? हाँ भाई साहब ये तो आनंद आ गया। अरे यार मजा आ गया, खुश हो, मिठाई बांटो, लड्डू बांटो, देश हित में काम हुआ है। ये भाई साहब कोई फोन आ रहा है आपका? आता होगा, आप उठा लीजिए, हम नहीं उठाएंगे आपसे बात। बार बार आ रहा है भाई साहब, तीसरी बार आ गया। कह दीजिए हम स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा। अरे आप एक बार बात कर लेते ठीक रहता भाई साहब, न्यूज चैनल से आप भी है ना बहुत जिद्दी है, मीडिया वालों का है भाई साहब इसलिए। अच्छा हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी अच्छे, तो क्या है स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है अभी आज की डिबेट में, आज शाम की डिबेट नहीं, आज नहीं आ सकते हम, हमारी तबीयत थोड़ी सी नाशाज है। अरे कल हम शादी में गए थे कहीं, और देखिएगा कि शादी में तो आपको पता ही है कि कुछ खाने में आ जाता है ज़्यादा, है ना, तो तबीयत ख़राब हो गई, पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है। नहीं आज, आज हमें छोड़ दीजिए ना, आज किसी दूसरे को बुला लीजिए। नहीं नहीं आज नहीं आ पाएंगे। अरे हम हाँ हमेशा आपको कब मना किया है हमने आपको? हमने कभी तो मना नहीं किया आपको, हम हमेशा आते हैं। नहीं आज रहने दीजिए हमें। ना ना नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे पास तर्क नहीं है, हैं बहुत तर्क है हमारे पास, लेकिन आज रहने दीजिए हम ना, आज तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी
अच्छा, अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है श्रीमान जी, बिल्कुल आएंगे, हमारा अपना चैनल है, लेकिन आज नहीं है। अरे कह दिया ना, हम नहीं आएंगे आज, हमारी तबीयत खराब है। ऐसे तबीयत खराब होती तब जोर से बोला गया ना, माफ कीजिएगा। ओके ओके, मत लाया करो फोन। तबीयत खराब है, आपने बताया नहीं मेरे को। अरे नहीं है तबीयत खराब, आप कह रहे थे अभी। अरे क्या पूछेंगे, हमने तैयारी तो की नहीं है, साल भर से तो हम इसके पक्ष में तैयारी कर रहे थे, अब हम इसके अचानक दो तीन घंटे में कैसे विपक्ष में तैयारी करेंगे। फिर अब जो बाकी फोन आया सबको आज आज नहीं मना कर दूं। हाँ, ये और फोन आ रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, आज बिजी है, थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। जी 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 जी, ठीक ठीक ठीक। अरे क्या बात है भाई साहब, आज सुबह सुबह जितना जल्दी तैयार हो गया, आज क्या कार्यक्रम में जा रहे हो क्या? अरे आज चलो लोग फोन आएंगे अभी विपक्ष का प्रवक्ता होना कोई खाने का काम नहीं, मेरे से होता ही नहीं है। आज तो हो जाएगा ना हमसे, आज तो मौका मिला हमको, अब हमारे पास आज तक रोज तो हमारे पास पूछते थे, हम कभी हिंदू मुस्लिम में ले जाते थे, कभी महंगाई पे, कभी कहाँ पे, आज हमारे पास सही तर्क करने का मौका मिला, आज हम करेंगे बैंक से। हाँ बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए। हाँ बात कीजिए, ये लीजिए। हाँ नमस्कार, नमस्कार जी। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैं, बिल्कुल। कितनी बजे आना है? ना 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 ना, गाड़ी मत भिजवाइए, हम खुद की, हमारी गाड़ी रेडी है, गाड़ी तैयार है ना, गाड़ी तैयार, हमारी खुद की गाड़ी तैयार है, और हम आप कहो तो आधे घंटे पहले आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हैं। और कौन कौन आ रहे हैं, वहाँ से कौन आ रहे हैं जो हमें रोज छिलते थे? नहीं आ रहे हैं। कैसे आएंगे, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए भाई गाड़ी निकालता हूँ, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। सर सर शाम को फिर प्राइम टाइम कैसे क्या रखें सर? वही सोच रहे हैं, आज तो कृषि कानून पे रखना पड़ेगा, आज तो बड़ा फैसला है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। साल भर से तो ग्राउंड जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कहाँ कहाँ बॉर्डर बॉर्डर घूम लिए यार, सिंधु बॉर्डर में तो किसानों के पक्ष में है, ये तो किसान गलत कर रहे हैं यहाँ पर। अब क्या करें, हमने तो कहाँ कहाँ तो कैमरेमैन और सब भेज दिया, रिपोर्टर, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे क्या करें, अब मामला भारी उलझ गया है। वैसे मैंने उनको एक दो रिपोर्टर को तो बोल दिया है कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन वो सामने वाले पूरी तैयारी से आ रहे हैं। आज अभी फ़ोन किया था मैंने एक विपक्ष के नेता को, तो प्रतिपक्ष को, तो बड़ा तैयारी में था, और आज मामला उल्टा भारी पड़ जाना। लेकिन ये एक काम करेंगे ना अपन, क्या करेंगे, बड़ी बहस जो करेंगे अपन, किसी को बोलने देंगे नहीं, अपन ही बोलते रहेंगे, ये कर लेते हैं भाई। वैसे भी अपन कहाँ किसी को बोलने देते हैं, जैसे वो शुरू होता है, आप रुकिए आप बोलिए, वो होता है आप रुकिए आप बोलिए, यही तो करना है, आज कर लेंगे। और वो बीच में वही तुम्हारी पोल खुल गई, वो थोड़ी देर नहीं बोले, आप बोलते रहे ना, फिर बोल देना तुम बोल नहीं पाए, तुम्हारी पोल खुल गई। हाँ यार ये कर ले, मैं आज सुबह से दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। अच्छा आ गया, एक दो चैनल का भी देखा अभी, और वो भी अपने तरह ही हैं सब, और अपने पाले के एक दो नेताओं की जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका भी देखा, वो कह रहे हैं बड़े मास्टर स्ट्रोक है ये। हाँ मास्टर स्ट्रोक है, इसको लेकर अपन जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। हाँ राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित मास्टर स्ट्रोक है, आज गुरु पर्व घर जाकर मनाएंगे, कितना बड़ा निर्णय लिया है, जो एक साल से डेढ़ साल से बच्चों से दूर थे, आज घर जाकर त्यौहार मनाएंगे, ये बच्चों की चेहरे पर मुस्कुराहट लौटा दी है, मास्टर स्ट्रोक पंजाब में। हाँ 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 हाँ, बने नए समीकरण। एक बात बताऊँ, मामला तो उल्टा ही पड़ गया था, समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये कर लेते हैं, फिर मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँ शाम की। हाँ स्क्रिप्ट तैयार करो और कुछ ऐसे पॉइंट्स दीजिए। अच्छा एक बात और करो ना, वो आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद का भी कुछ दो चार पॉइंट्स दीजिए, ताकि हम उसमें ठोस रख सकें कि उन्होंने भी लेकर वापस ले लिया, उन्होंने भी लेकर वापस ले लिया, ऐसा ये कर लेंगे। नहीं मिलेगा तो कह देंगे ना कि हर इसमें हिम्मत थोड़ी होती है इतनी। हाँ बड़ा है, बड़ा बड़ा यार ये नहीं होती है वाकई में, तो ये कर लेते हैं। तो फिर आप ये चेंज करके आ जाओ, ये लोअर अभी। लोअर क्या चेंज करना, ऊपर तो कोट पैंट और नीचे तो रोज ही ऐसे जाते हैं, रोज नीचे कोट यहाँ तक तो दिखाना होता है, वो मैं प्राइम टाइम शुरू करने के बाद मैं घर चला जाता हूँ तो पता ही नहीं चलता, यहीं से तो कैमरा आता है।
कैमरामैन भैया यही आ रहा है लोअर, कई बार तो मैं शॉर्ट्स में आया हूँ। अच्छा 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 ठीक है, तो फिर मैं तैयार। हाँ बिल्कुल तैयार कीजिए। नमस्कार, बड़ी छोटी सी बात की बड़ी बहस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लीजिए हमारे साथ कुछ मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है, आज हम उनसे बात करेंगे कि आप बड़ी हिम्मत की है देश के महानायक ने आज। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, वो आज तो प्राइम टाइम आप ही कर रहे हो सर। हाँ आज मैं ही करूँगा। वो मेरे पूछ रहे थे बार का आज सर करेंगे नहीं, मैंने कहा आज तो सर के अलावा कोई ना। मैं ही करूँगा, मैं बाकायदा पिछले कई दिनों से कई महीनों से लगा हुआ हूँ। जी जी जी, तो मुझे ही करना चाहिए आज तो। वैसे भी सर लानत है अगर कोई दूसरा करे तो। सही है, लानत तो भेजनी ही पड़ती है सर। और आज तो आप बहुत मतलब मज़ेदार दिन है सर। हाँ मैं ही करूँ। अच्छा तुम एक काम करना जी, अगर सत्ता पक्ष कोई नया आया ना। हाँ नहीं रहा सर, फोन लगाए आज कोई तो ऐसा करो ना किसी अपने लोगों को बिठा दो, बता देंगे हम, बता देंगे नीचे लिख देंगे ये भाई ऐसा है ये ऐसा है ऐसा है, उनका आज उनका समर्थक बना के बिठा दे किसी को। हाँ आज उनको छिलने का बड़ा मजा आएगा। ये बात तो है, पट्टे हमें छिल रहे थे बहुत दिनों से, आज हम छिलेंगे उन्हें। नहीं तो फिर अब सर इसमें ये जिस चुनाव आ रहे हैं तो अब इसको किसानों की जीत ही रखे हैं और जो विपक्ष उसका भी थोड़ा फेवर अब ना। ना विपक्ष का तो हमने हमेशा ही समर्थन किया है, थोड़ा उसको फेवर रखे हैं इस बार, थोड़ा फायदा उनको पहुंचे ऐसा कुछ। वो थोड़ा सा क्या, हमने तो पूरा ही फेवर दिया विपक्ष को। तो आज भी कर लेंगे कि विपक्ष भी लगा आज ही करना ही है। अटैकिंग रहा जब हमारे फेवर में नहीं था, मौसम माकूल नहीं था तब भी हमने इनका फेवर किया था। आज तो अब माकूल मौसम और, तो और इसमें वो दूसरे जैसे कोई आंदोलन है उनको भी कह सकता है कि इस प्रकार के अब चलो तो जीत हो सकती है, फैसले वापस लिए जा सकते हैं ऐसा कुछ। ना नहीं आप उनको सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि आज इसी पे चलने दे क्योंकि ये इस पे टाइम पूरा हो जाएगा। जी जी, अपना जो स्लॉट है उसी में पूरा हो जाएगा। विपक्ष विपक्ष वाले तीन चार लोग कह रहे हैं मैं हूँ आज तो आड़े के लिए सर, आज तो रोज तो हमको उनकी भूमिका निभानी पड़ती है। आज तो क्या हाँ, कई बार हमें उनकी तरफ से बोलना पड़ता है क्या करें? आज तो आना चाहता है कोई तो, लेकिन किसी मजबूत को बुला। मजबूत आप हो सर विपक्ष की तरफ से, तो आप हमेशा ही मजबूत रहे हो। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं। नमस्कार, तो सभी देशवासियों को आज सवेरे सवेरे की सुबह जो एक खुशनुमा सुबह मिली थी हमारे आदरणीय ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है, तो उस पर घोषणा पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ है विपक्ष के जो लड़ते आ रहे थे, विपक्ष के 6 लोग और सत्ता पक्ष के 1 लोग, हम उन सब के साथ आज बहस करेंगे। चुकेगा नहीं, ठीक मिलेगा शाम को हमारे साथ। वैसे इन 7ों के लिए मैं अकेले ही कहती हूँ लानत है। अरे भाई साहब उठो, वेंडी बात बनाना है, उठो है? अरे वेंडी बात बनाना है भाई, वेंडा बड़ा करो यार, बरसात में कहीं वेंडी बात। अरे आज मजा आ गया, आज उठो जोरदार बनाएंगे, आ जाओ। अच्छा बरसात चल रहा है। अरे कहीं नहीं लगे, आ जाओ आप। तो अरे आओ आओ आप, तो उठो पड़ रही है आप। अरे बापू कहीं चाय वाय बनेगा, कहीं वेंडी बात नहीं करनी, कहीं कहो बापू। ओ हमसा या अपने आप में वेंडी बाज हो। अरे बड़ा ठीक से देखा हो था कि वेंडी बाज कर रहा है। वेंडी बाज है कलाकार को चाय बना रहा हूँ मैं। चाय बना रहा हूँ मैं। ये वेंडी बाज सूट नहीं करना होगी। वेंडी बाज सूट बस ये चाय बनाएंगे फिर आप और मैं थोड़ा तरह ताजी से वेंडी बाज सूट। तो अदरक उदरक अदरक उदरक सब मैंने चेक कर लिया आपके घर पे और आपको बढ़िया चाय बना के पिलाऊंगा। वाह